हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। जैसे हम लोग ने वीकली एनालिसिस किया था, बिल्कुल वैसा ही मूव कर रहा है मार्केट। और मैंने आज सुबह भी कम्युनिटी पोस्ट में कुछ डाला था, देन ट्विटर में भी डाला, आप वो जाके चेक कर लो। और मैं वीकली एनालिसिस में पूरा क्लियर बताया था कि बैंक निफ्टी मुझे बेयरिस दिख रहा है और निफ्टी थोड़ा सा कम बेयरिस दिख रहा था। तो अब मैंने कहा, वो भी कहा था कि किसी ना किसी को किसी के पास जाना ज़रूर है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी जस्ट पहला दिन है, तो मेरा जो टारगेट था 46,700-800 तक इस वीकली में अगर फ्लैट ओपन होता है तो देखते वो वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। तो अभी हम लोग कल एक के लिए देखते हैं, कल की निफ्टी का एक्सपायरी भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ न्यूज भी आने का, पता नहीं क्या जो है, कुछ बॉन्ड का, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का शायद, कुछ एसबीआई का, आई डोंट नो। मैं थोड़ा सा मैं फंडामेंटल कम देखता हूँ, ठीक है, और न्यूज़ में थोड़ा सा कम मतलब बहुत ही कम फॉलो करता हूँ मैं, बस चार्ट देखता हूँ और वही है। देखते हैं अभी कल क्या कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देन फिर से अगर 200-250 को तोड़े, 250 को तोड़ने से अगर फ्लैट ओपन हो गए, क्लोजिंग दिया 327 में, अगर फ्लैट ओपन हो गया 280-250 को तोड़े, देन हम लोग को एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, अराउंड 800-700 लेवल तक भी आ सकता है। पहले तो 47,000 का टारगेट होगा राउंड फिगर में, अगर इसको भी तोड़ता है देन हम लोग इस लेवल का टारगेट के लिए हम लोग प्लान करते हैं। और अगर फ्लैट ओपन हो गए, ये 450 के ऊपर की तरफ तोड़े, ठीक है, फ्लैट ओपन के 450 के ऊपर की तरफ तोड़े, देन हम लोग का 600 के आसपास पहला टारगेट होना चाहिए। उससे ज़्यादा टारगेट मत रखना क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, तो पहले 600 तक टारगेट रखना, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ऊपर की तरफ छोटा टारगेट रखना और नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा टारगेट रख सकता हूँ, 300-400 पॉइंट रख सकता हूँ। पहले 47 टारगेट हम लोग का 47,000 राउंड फिगर में होगा, देन 46,800 तक आ सकता है। और अगर थोड़ा गैप अप हो जाता है बहुत बड़ा, 47,500 इस लेवल पे कहीं पर भी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो, तो गैप अप होने से हो सकता है पहले थोड़ा सा स्लाइड कर, देन हम लोग को थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, देन हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन के लिए वेट करना, देन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो हो सकता है कि पहले 15-20 मिनट थोड़ा सा मार्केट स्लाइड करे, देन हो सकता है कि वहाँ से बाउंस करे, क्योंकि आज ऑलरेडी फॉल है। तो अगर गैप डाउन देता है बहुत बड़ा, तो हो सकता है पहले 5-10 मिनट स्लाइड करे, देन हो सकता है बाउंस के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गैप डाउन में मार्केट फिर बेरिश रहेगा, लेकिन हो ऐसा भी हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन दे, देन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देन सेकेंड हाफ में और एक सेकेंड लेग ऑफ जो फॉल होता है वो दे दे, ऐसा हो सकता है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन है, बहुत बड़ा गैप अप में हम लोग को प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग के पास रेंज है 450 और नीचे 250, उस जिस रेंज पे भी ब्रेक करेगा, हम लोग का नीचे के साइड थोड़ा ज़्यादा देखना है, ऊपर के साइड थोड़ा कम टारगेट देख। तो देखते हैं बाद में निफ्टी, देखते हैं निफ्टी क्या है। निफ्टी में भी सिमिलर है, निफ्टी में थोड़ा सा अभी भी सपोर्ट इस जोन पे अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन हो गया, ये 300 को तोड़े, देन हम लोग का पहला टारगेट जो है ये जस्ट 220-230 इस लेवल तक का आना चाहिए। अगर इसको भी फ्लो में तोड़ता है देन हम लोग का बड़ा टारगेट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग देखेंगे कि ये वाला अगर नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर तोड़ने से तो अच्छा है, बहुत नीचे का टारगेट भी हम लोग को मिल सकता है। अगर ये वाला लेवल तोड़ दिया तो हम लोग का बहुत अच्छा खासा नीचे का टारगेट भी मिल सकता है, इस जोन तक भी आ सकता है मार्केट। वो कल नहीं आएगा, 3-4 दिन में आ जाएगा। तो अगर ये वाला जोन कल के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक मार्केट एक बार आ सकता है। और फ्लैट और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की तरफ मुझे अभी फिलहाल ट्रेड नहीं दिख रहा निफ्टी में, तो थोड़ा अवॉइड करना फ्लैट ओपन होने के बाद। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, देन हो सकता है कि थोड़ा सा स्लाइड करे, देन प्राइजेक्शन बना के फिर ऊपर की तरफ सेकंड हाफ में जाए। तो गैप अप में भी आप थोड़ा सा प्राइजेक्शन देखना और गैप डाउन में भी थोड़ा सा प्राइजेक्शन देखना। अगर इस जोन पे गैप डाउन होता है देन थोड़ा सा प्राइजेक्शन बना के देन सेकंड हाफ में इसको ब्रेक करता है, देन आप इसको अच्छा खासा एक सेकंड हाफ में ट्रेड मिल सकता है आपको। और अभी फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी भी मतलब सिमिलर है बैंक निफ्टी की तरह, ये एकदम एज पे खड़ा है। अगर देखो ये वाला ये तो एक जोन बन गया अभी ऑलरेडी, 20,830-820 को अगर फ्लैट ओपन होकर तोड़े देन हम लोग को ये वाला लेवल और रेस्पेक्ट नहीं करे, ये टूटना चाहिए। देन टूटने के बाद हम लोग को पहला जो टारगेट है एकदम बहुत थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, 650-670 इस तरह का टारगेट पहला बन जाना चाहिए। और ऊपर की तरफ तो देखो, ऊपर की तरफ अगर 900 तोड़ता है देन हम लोग को छोटा टारगेट पहले 22,000-21,000 का राउंड फिगर इस लेवल तक मैक्सिमम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, 70-80 पॉइंट्स के ऊपर की तरफ दिख रहा है, देन वहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ऊपर के लिए, ठीक है, वेट करना पड़ेगा एक दिन एटलीस्ट। बट डाउन अगर नीचे के साइड बेरी साइड में हम लोग को वेट नहीं करना है, हम लोग कर सकते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग उसके लिए बड़ा सा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ेगा देन बड़ा सा टारगेट पहले तो 650-670 ये वाला टारगेट आ जाएगा, देन उसमें हम देखेंगे अगर हम लोग को मिलता है बड़ा सा ट्रेंड तो फिर ठीक है कैच कर सकते हैं हम लोग। और बहुत बड़ा गैप अप हो गया इसमें भी सेम हम लोग को प्राइस सेक्शन देखना है, सेकंड हाफ में हम लोग को ट्रेड मिलेगा। और बहुत बड़ा गैप डाउन में भी प्राइस सेक्शन एंड सेकंड हाफ में ट्रेड मिलेगा। अब बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया देन क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रखे, देन सेकंड हाफ में तोड़ें, ठीक है, बहुत वोलेटाइल हो गया सेकंड
हाफ में, और फिर से वो फर्स्ट अपना जो ट्रेंड रहेगा वो रिज्यूम करें। देन बहुत बड़ा गैप अप होने से हो सकता है कि स्लाइड करें पहले, हो सकता है बहुत बड़ा गैप होने से पहले हो सकता है कि 15-20 मिनट स्लाइड करें, देन थोड़ा सा साइडवेज देखे, देन सेकेंड हाफ में एक मूव करें। तो इसलिए प्राइस एक्शन गैप अप में और गैप डाउन में देखने की जरूरत है, और फ्लैट में आप लोगों को प्राइस एक्शन ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो रेंज बना है, रेंज तोड़ने से आप ट्रेड कर सकते हो, और डाउन साइड में ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि डाउन साइड में अभी दिख रहा है मार्केट कि डाउन साइड आने के चांसेस है, क्योंकि ये सब जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है, ये सब जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो अभी मार्केट ज़्यादा इसमें रुकना नहीं चाहिए, अभी तोड़ेगा तो डायरेक्ट तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा, और जो अब एक बार जाके प्लीज़ काइंडली मैं डाल दूंगा एंड स्क्रीन में, और आप जाके एक बार वीकली एनालिसिस वीडियो पर अच्छे से देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसा कहा था, क्या कहा था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।